आए दिन आप खबरों में डॉक्टर मरीज और तीमारदारों के बीच में बहस और बदसुलूकी के मामले देखते या सुनते रहते होंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव नजर आएगा। जी हां, कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में अब डॉक्टरी के साथ साथ छात्र छात्राओं को इंसानियत के बारे में भी पढ़ाया और समझाया जाएगा, मानवीय मूल्यों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि वह मरीजों और उनके परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें और आत्मीयता का रिश्ता बनाकर रखें। GSVM मेडिकल कॉलेज में इसके लिए कुछ स्पेशल क्लास शुरू की जा रही है, जिसके तहत जिस प्रकार से मेडिकल पढ़ाई का जो ढांचा है वह उसी तरीके से चलता रहेगा। इसको लेकर के आज से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। यह प्रोग्राम जूनियर डॉक्टरों को दिया जाएगा। बता दें कि 150 छात्रों के दो दो बैच बनाए गए हैं, जिनकी स्पेशल क्लास शुरू हो गई है। बता दें कि GSVM मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां इस प्रकार की पहल शुरू हो रही है। इस स्पेशल क्लास में मेडिकल कॉलेज के 10 विभाग शामिल हो रहे हैं, जिसमें मेडिसिन, पैथोलॉजी, पीडिया, गायनी रेडियोलॉजी, चेस्ट, साइकाइट्रिक, एनेस्थीसिया, फॉरेंसिक शामिल हैं। इसमें इनको बेहतर डॉक्टर बनने के साथ बेहतर इंसान बनने का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि यह प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां इस प्रकार की स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जहां पर छात्रों को मेडिकल के साथ साथ सभ्य व्यवहार का तरीका भी सिखाया जाएगा। आज ही से यह स्पेशल क्लास शुरू हो रही है। इसमें न सिर्फ छात्र अच्छे डॉक्टर बनकर तैयार होंगे, बल्कि वह इंसानियत का पाठ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस स्पेशल क्लास में जूनियर डॉक्टरों को मरीजों को डील करना सिखाया जाएगा, कि किस प्रकार से मरीज के परिजनों को उनका हाल बताए, किस प्रकार से दवाओं और जो मेडिकल फैसिलिटी उनको दी जा रही है उसके बारे में उनको समझाएं। अगर मरीज की मौत हो जाती है और उनके परिजन पहले से उत्तेजित हैं, तो उस समय किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए। This novel concept was conceptualized and the inspiration was given to as principal sir. These ambulances are really, really helpful, a really novel concept. The ambulance can take the patient from the bed. मेरे को लगता है कि लोगों ने जैसे बच्चे खासकर उन्होंने वो जर्नी देखे हैं, जो समय हम लोगों ने उसे जो पहला कदम था जो हमारे बेबी स्टेप्स थे उससे हॉफ आर ये ग्रोन है। लेकिन कुछ पिक्चर्स जो आज डॉक्टर मार्वल ने प्रेजेंट की थी, this was just a tip of work, tip of iceberg that we have done. हमने जो काम किए हैं, ठीक है, वो बहुत थोड़ा सा उसका हिस्सा हमने दिखा पाए। डॉक्टर पारुल ने बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन किया और मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर सीमा मेहंदी का। मतलब मैं बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी मेडिको हूँ, आप भी मेडिको, कई चीजें हम लोग स्किप कर जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि एडिटर साहब जो बात बोलेंगे तो उसमें से कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम लोग को भी नहीं मालूम होंगी, इसलिए आज हमें एज ए बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ही इज अ फेस ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज का फेस है, तो समाज हमसे क्या चाहता है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो आज हम आपके मुंह से सुनेंगे। अब मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए मैं सीमा मैडम से बोलूंगा, प्रोग्राम को अच्छी तरह से अटेंड करना है, क्योंकि आपके जीवन भर मदद करेगा। हमारे टाइम पे कोई आई डिड माय एमएस, मैंने जो डिफरेंस देखा कि कहीं पे भी कोई पीजी ओरिएंटेशन नहीं होता। हम आप जाकर के गवर्नमेंट में एनएमसी में उस गजट बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। जब हम यूजी में थे तो हम लोग हमारा क्या मैसेज देना, देखिए जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग अक्सर विभिन्न, मतलब मैं खाली अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा, प्रदेश में अलग अलग हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेज में अक्सर ये समस्या आती है कि संवादहीनता की वजह से एक मरीज में, उसके तीमारदार में और डॉक्टरों के जूनियर स्पेशली जूनियर डॉक्टर के बीच में एक गैप हो जाता है, तो वो संवादहीनता की वजह से कई बार मरीज में और डॉक्टरों में गलतफहमी उत्पन्न होने के कारण अक्सर वो झगड़े का कारण बनता है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने एक बड़ा नोवल आइडिया, हमारी फैकल्टी ने, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की फैकल्टी ने एक आइडिया तैयार किया कि जो नए बच्चे आते हैं, क्योंकि इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रदेश के या देश के विभिन्न कोनों से हमारे पास में हैं, जिनको भाषा की समस्या है, जिनको बोलने की समस्या है, जिनको खाने की समस्या है, तो इन लोगों की काउंसलिंग की जाए और दूसरी बात है इनको समझाया जाए कि मरीज के साथ में हम लोग को कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, ताकि
हमारे तीमारदारों, मरीज और डॉक्टर के बीच की गैप को हम लोग फिल अप कर सकें। और इस गैप को फिल अप करने का एडवांटेज ये है कि हमारा एक तो सोसाइटी में जो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो हमें कम से कम हम लोग बिहेव भी भगवान की तरह कर रहे हैं, और समाज में ये मैसेज दें कि नहीं, हम सोसाइटी के लिए ही, हम सोसाइटी से निकले हैं, सोसाइटी के लिए ही कार्य करने के लिए बने हैं। और इससे आने वाले, भविष्य में आने वाले जो गैप्स हैं हमारे और सोसाइटी के बीच में, या हमारे या तीमारदार या मरीज के साथ में, वो ख़त्म होगा और झगड़े ख़त्म होंगे और हमारी और समाज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर बनेगी। मेडिकल कॉलेज में ये पहली बार मतलब पहल करी गई है, कभी कभार मगर ये भी देखा जाता है कि जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टरों से भी अभद्रता कर देते, तो इसका क्या कारण है, इसके लिए क्या? देखिए ऐसा बहुत कम होता है। कई बार देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, उनको समझाना हमारा काम है, बतौर एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, ये हमारा दायित्व है। और कई बार वो गलती करते हैं तो हम उसको इग्नोर भी करते हैं, फिर बाद में उनको प्यार से समझाते भी हैं कि जैसे ये आपके बच्चे हैं या समाज में बच्चे होते हैं, सब जगह वो भी हमारे बच्चे हैं। तो ज़्यादातर चूँकि वो काम बहुत करते हैं, कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर कहा जाए तो बिना रेजिडेंट्स के नहीं चल सकता, उसकी रीढ़ में रेजिडेंट्स और वहाँ का स्टाफ होता है। जो कंसल्टेंट्स हैं वो मुश्किल से कुछ घंटे दे पाते हैं, लेकिन जो रेजिडेंट है वो 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। स्टाफ गार्ड वाइज हो जाता है, उसको जो काम के लिए चाहते नहीं, वही मैंने जो अभी हमने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है रेजिडेंट्स के लिए, दूसरे चरण में हम लोग इसको स्टाफ में और नर्सेस इन सब का ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले साल भी किया था, इस साल भी हम करने जा रहे हैं, ताकि जो संवादहीनता है उसको ख़त्म किया जा सके। मेडिकल कॉलेज की पहल है, ये प्रोग्राम कितने दिन तक और चलेगा? नहीं नहीं, ये अब परमानेंट चलेगा हमारे यहाँ। इस बार दूसरा प्रोग्राम, पिछले साल से हमने इसको स्टार्ट किया है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट में तो चल रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में एथिकल टीचिंग के लिए और संवादहीनता को ख़त्म करने के लिए ये हमारा दूसरा वर्ष है जिसमें हमने किया है। और इसमें हम लोग ने प्रेस और मीडिया के लोग भी बुलाए हैं, उनकी भी राय हमने जो अपने छात्रों को देनी चाहिए, तक क्योंकि जो प्रेस है उसको समाज का दर्पण कहा जाता है, तो हम लोगों ने प्रेस के जो एलीट लोग हैं उनको बुलाया है, ताकि उनको भी हमारे छात्र जान सकें कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, हमसे क्या अपेक्षा रखता है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.